इफ ए ब्रांड नीड्स टू ग्रो एंड वॉन्ट टू ग्रो, या तो बिल्कुल नई ब्रांड होनी चाहिए या फिर पुरानी भी है तो रेपुटेशन बहुत किसी टाइम में अच्छी रहनी चाहिए। लेकिन माइक्रोमैक्स के साथ इन दोनों केस में से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। एज वी ऑल नो, माइक्रोमैक्स इज़ नॉट अ न्यू कंपनी इन दिस इंडियन मार्केट। तो और इसका पास्ट पिछला कैसा रहा है वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, जो नेपाल वेपाल से भी कुछ लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कुछ 1-2%, तो मैं उनके लिए बता दूं कि सच में इंडियन मार्केट में माइक्रोमैक्स का पास्ट पहले कैसा रहा था। उसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि ये चाइनीज़ फ़ोन्स को ही लेते थे, जो कि चाइना में उनको कोई पूछ नहीं रहा होता, या फिर वो चाइना से बिल्कुल निकाल दिए गए थे और जिनको कोई नहीं पूछ रहा था, और जस्ट रीब्रांडेड, क्या यार उनकी कोई ब्रांड भी नहीं, मतलब जस्ट लोकल फ़ोन जो कि बिल्कुल ही एक्सपायर्ड होते हैं, उन फ़ोन को लेते थे, उनके ऊपर अपना माइक्रोमैक्स का ठप्पा चिपका के और एज अ इंडियन ब्रांड इंडियन मार्केट में रिलीज़ कर देते थे। और मान लो कोई फ़ोन उनने 2000 का ख़रीदा तो वो यहाँ 8000 में आराम से बिकता था बिना कोई दिक्कत के, क्योंकि उस टाइम पर दो ही कंपनी लीड कर रही थी, सैमसंग और माइक्रोमैक्स। और इसी वजह से, क्योंकि माइक्रोमैक्स का कुछ था तो नहीं, सिर्फ एक वो घुसे वाले ठप्पे के अलावा माइक्रोमैक्स का उन फ़ोन्स में कुछ नहीं था, तो इस वजह से ना हमें उन फ़ोन्स में कभी अपडेट देखने को मिले और ना ही कुछ अच्छा ज़्यादा माइक्रोमैक्स की तरफ से सपोर्ट मिला। अब जैसे कि हम सबको पता है कि चाइनीज़ कंपनी फ़िलहाल इंडियन मार्केट को अराउंड 90% तक कैप्चर कर चुके हैं, और वो करें भी क्यों ना। देखो सच बताऊँ तो चाइनीज़ कंपनी, देखो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि आप इंडियन ब्रांड को खरीदो ही मत ही, लेकिन चाइनीज़ कंपनी की सर्विसेज सच में फ़िलहाल तो अच्छी हैं, मतलब मैं इंडियन से तो हमेशा से अच्छी रही हैं देखा जाए। और एंड यूज़र प्रोडक्ट में अपनी बात कर रहा हूँ, और ये मैं सिर्फ हमारे नहीं बोल रहा, आप भी अपने घर पे जितने भी, अगर किसी के पास डेफिनेटली एक आदमी चाइनीज़ फ़ोन ज़रूर होगा MI या रियलमी का, तो उनमें आप खुद देखना कि आपने वो फ़ोन लिया हो और उसके बाद उसमें टाइम से अपडेट नहीं आए हो। मैं अपडेट का मतलब ये बात नहीं कर रहा कि एंड्रॉयड 11 या एंड्रॉयड 12 नहीं आए, क्योंकि वो ठीक है किसी किसी वो कुछ मॉडल के साथ होता है, और ज़्यादातर सस्ते मॉडल्स के साथ ही भेदभाव होता है कि एंड्रॉयड का अपडेट नहीं आया, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को भी थोड़ा साइड में रखते हैं, लेकिन सिक्योरिटी पैचेस उनके हमेशा टाइम पे आते हैं। मैंने जब रियलमी C1 लिया था तो अराउंड मेरे को 2 साल तक अच्छे से सिक्योरिटी पैचेस मिले थे, लेकिन अगर मैं बात करूँ माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की, मेरे को सच में अभी पहले इंप्रेशन की मैं बात करता हूँ, मैं किसी और चीज़ को छोड़ो, मैंने फ़ोन लिया, फ़ोन मेरे को सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लग रहा था कि 8,500 में 11,500 का फ़ोन लग रहा है तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा होगा। फ़ोन मैंने लिया, फ़ोन अनबॉक्स किया, फ़ोन को मैं जैसे ही मैंने बाहर देखा बहुत बढ़िया, मतलब पैकेजिंग में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, फ़ोन सब अच्छा था, अच्छे से पैक किया गया था, सब चीज़ बढ़िया। लेकिन फ़ोन को जैसे ही मैंने ऑन किया मेरे को स्टॉक एंड देखने को मिला, जो कि ऑब्वियसली देखने को मिलता है माइक्रोमैक्स के फ़ोन में, उतने में भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब मैंने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाया, जस्ट मेरे को फ़ोन को अभी खरीदे 2 घंटे हुए हैं, मैंने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाया और फ़ोन 55 डिग्री या 60 डिग्रीज तक गर्म हो चुका है। हाँ, अपडेट के बाद वो चीज़ें फ़िक्स कर दी गई, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें माइक्रोमैक्स को ऑलरेडी फ़िक्स कर देनी चाहिए थी, मतलब अनबॉक्स करने से पहले ही मेरे को वो चीज़ें फ़िक्स मिलनी चाहिए थी, तो मेरा यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन जब वो चीज़ मैंने देखी कि फ़ोन जस्ट फोन डिब्बे से निकालते ही चार्जिंग पे लगाते इतने गर्म हो रहा है, तो आगे क्या होगा। तो अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट चीज़ की, जो कि मेरे को माइक्रोमैक्स में थोड़ी सी ठीक नहीं लगी। देखो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और इन 1 जहाँ तक साथ में लॉन्च किए गए थे, और माइक्रोमैक्स ने प्रॉमिस किया था कि एंड्रॉयड के अपडेट कम से कम, जैसे एंड्रॉयड 10 पे ये फ़ोन्स आए थे तो एंड्रॉयड 12 तक के अपडेट टाइम पर मिलेंगे, लेकिन टाइम तो क्या यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। चलो उसको भी साइड रखते हैं कि ठीक है वो अपडेट्स टाइम पे नहीं मिल रहे, लेकिन अब नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी पैचेस के। कम से कम 3 साल तक बोला था कि सिक्योरिटी पैचेस टाइम पर, ये तो टाइम पर मिलेंगे, लेकिन ना तो मेरे को सिक्योरिटी अपडेट्स टाइम पे, सिक्योरिटी पैचेस टाइम पे दिख रहे, और ना ही वो क्या कहते हैं एंड्रॉयड के अपडेट, क्योंकि लास्ट जो सिक्योरिटी पैचेस फ़ोन के अंदर आया था वो आया था अराउंड May 2021 में, और आई डोंट थिंक May 2021 इज़ द राइट टाइम, उसके बाद आज तक कोई अपडेट नहीं है, ये अक्टूबर चल रहा है फिलहाल, एंड्रॉयड 11 तो भूल ही जाओ। देखो कोई कंपनी जब कुछ प्रॉमिस करती है तो आई थिंक कि उसको अपनी चीज़ पे रहना चाहिए, अब कुछ भी मतलब उनके लिए कुछ भी प्रॉब्लम रही हो ठीक है वो प्रॉब्लम रही है, लेकिन मैं अभी समझता हूँ। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर किसी चीज़ का प्रॉमिस करते हो तो एटलीस्ट यू हैव टू बी ऑन टाइम, और यू हैव टू बी ऑन टाइम ठीक है वो चीज़ भी अलग रखो, लेकिन
थोड़े टाइम बाद तो एटलीस्ट दे सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा लेट चल जाता है, 1-2 महीने का गैप चलता है, लेकिन अभी 5 महीने हो चुके हैं और 5-6 महीने में कोई भी अपडेट नहीं है फ़ोन के अंदर। फ़ोन की परफॉर्मेंस से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, फ़ोन के कैमरे से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, फ़ोन के हार्डवेयर, फ़ोन के लुक्स, उन सब चीज़ों से मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन ये चीज़ से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्योंकि एक चीज़ मैं बताता हूँ, मेरे को एंड्रॉयड का अपडेट्स क्यों चाहिए। एंड्रॉयड 12 का जैसे कि वादा किया, तो एंड्रॉयड 11 में इतने ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा प्राइवेसी या कस्टमाइजेशन नहीं दिए, लेकिन एंड्रॉयड 12 में बहुत सारे ऑप्शन हैं, और एंड्रॉयड 11 को लॉन्च हुए 2 साल हो गए और ये अभी तक नहीं ला पाए, तो एंड्रॉयड 12 का तो मैं अगले 2028 तक समझूं फिर कि 2028 तक एंड्रॉयड 12 का अपडेट माइक्रोमैक्स नोड 1 में आ ही जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग जिसकी मैं बात करने वाला हूँ कि लोग कुछ ज़्यादा अच्छा माइक्रोमैक्स को फ़िलहाल तो नहीं समझते, मैं बताता हूँ क्यों। मैं तो चलो फिर भी ठीक है, फ़ोन लेके बहुत खुश हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है नहीं मिल रहा अपडेट तो इट्स ओके, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं किसी का, जैसे मैं अपना फ़ोन बाहर लेके गया, मैंने कुछ लोगों को दिखा के, देखो ये मेरा नया फ़ोन लिया है और आप देख के बताओ कैसा, मैंने 8.5 का लिया, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ फ़ोन बाहर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा कुछ उस पर ठप्पा नहीं लगा माइक्रोमैक्स का, सो दैट्स मोर गुड, क्योंकि उनको पता नहीं चला कि एक्चुअल फ़ोन माइक्रोमैक्स का अभी फ़िलहाल देखा जाए तो इंडियन मार्केट का कुछ लोग जानते भी नहीं, मेरी तरफ लोग जानते भी नहीं है कि माइक्रोमैक्स दोबारा रीब्रांड होके आई है। और अगर मैं उनको बताऊं कि मैंने ये माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, तो वो बोलते हैं कि अरे यार 8.5 हज़ार डाले फिर भी माइक्रोमैक्स लिया, मतलब कुछ और फ़ोन लेता जिसमें एटलीस्ट एक ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा मिलती। सच में ये फ़ोन मेरे को भी ड्यूरेबल ज़्यादा नहीं लगता, मैंने कुछ वीडियोज़ देखी हैं और ये फ़ोन बहुत जल्दी ख़राब हो चुका है उन टेस्ट के अंदर। तो ठीक है, ये वीडियो सिर्फ इतनी है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आई होप पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, नहीं तो और भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, लेफ्ट वाली वीडियो और राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो, अगर दोनों देख रखी हैं तो बीच वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हियर मी साइनिंग आउट।